सीमा व अपकलच, सीमा अपकलच का विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 13। देखो इसे क्वेश्चन दे रखे सारे अपकलच के दे रखे, नहीं आया ना सारे प्रश्न जो है वो अपकलच के दे रखे आपके, लिमिटेड डेरिवेटिव लिमिट के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे रखा है विविध में। ठीक अच्छा 15 पे आधारित है। देखो प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलों का अपकलच ज्ञात कीजिए। प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलों का अपकलज ज्ञात कीजिए। प्रथम सिद्धांत से मैं जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स पहला देखा माइनस का एक्स, दूसरा देखा माइनस एक्स की पावर माइनस का वन, इन सारे फलों का हमें प्रथम सिद्धांत से करना है ना। प्रथम सिद्धांत हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये हमारा प्रथम सिद्धांत होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे देखो फंक्शन ऑफ एफ एक्स करेंगे माइनस का एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर देना, तो माइनस का एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये वाला वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना है माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एच, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का एक्स माइनस का एच माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे एच, एक्स है एक्स क्या जाएगा कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का वन इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का। ठीक है तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, सिंपली आंसर देखने की जरूरत नहीं है। एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है वन होता है, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस का तरीका, तो क्या आएगा माइनस का लेकिन ये नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस का वन, माइनस एक्स की पावर माइनस का वन, देखो इसको इसका वैल्यू निकाल लेते एक्स प्लस एच का, तो एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एच की पावर माइनस का वन, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस का एक बटे एक्स प्लस एच, इसको भी ले सकते माइनस का एक बटे एक्स क्योंकि माइनस का वन है ना डिवाइड बन जाएगा। सही है, फर्स्ट डिफरेंशियल मेथड से एफ डैश एक्स इक्वल टू जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाय एच, देखो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है माइनस एक बटे एक्स प्लस एच, माइनस के एक बटे एक्स प्लस एच। ठीक अच्छा माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देखो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या माइनस का वन बाय एक्स है, देखो माइनस का वन बाय एक्स, देखो ये जो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाय एच, तो माइनस का वन बाय एक्स प्लस एच माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस वन बाय एक्स, एलसीएम ले लो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाय एच, तो एक्स का तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स, इसका तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स प्लस एच अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स और एक्स प्लस एच एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाय एच एच बटे एच वन प्लस एच प्लस का बचेगा, क्यों क्या प्लस का तो है या चाहिए प्लस 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 ठीक है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, अब लिमिट रख देंगे तो एच की जगह कितना जाएगा जीरो, तो वन बटे एक्स एक्स प्लस जीरो इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर इसका सर जी, अगर हम इसको उल्टा कर दे वन बाय एक्स स्क्वायर कर दे तो वन बाय एक्स स्क्वायर का वन बाय एक्स, तो ये लिखेंगे एक्स की पावर माइनस का टू। ठीक है मैं कह रहा हूँ वन बाय एक्स
स्क्वायर का अगर अवकलन करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या आएगा? तो फिर सेम वही इसी तरीके से करेंगे प्रथम अवकलज विधि से, या हम डिफरेंशिएट करेंगे देख वन बाय एक्स स्क्वायर का ना, तो डी अपॉन डी एक्स वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यह आएगा इसको लिख सकते डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस का टू। हाँ तो एक पावर आएगा पावर एक माइनस, तो माइनस का टू एक्स की पावर माइनस टू माइनस का वन, तो माइनस टू एक्स की पावर माइनस का थ्री। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का दो बटे एक्स की पावर तीन। Yeah. सेम वही रूल यूज करेंगे। अरे तब तो मैं इसको आसानी से कर सकता था, एक सवाल है प्रश्नावली में। हाँ। मैंने पूरा पेज भर दिया तब आया यही आंसर, ये जरा फिर दूसरा आंसर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसका देखो थर्ड पार्ट देने के बाद है साइन एक्स प्लस वन। प्रथम अवकलन विधि से फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स प्लस वन बाद में। देखो ये देखो देखो इसमें साइन एक्स प्लस वन देखे तो एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या जाएगा साइन एक्स प्लस वन प्लस एच, साइन एक्स प्लस वन प्लस एच ये जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय एच। देख पाते नहीं तो देखते हैं, देख लिमिट एस टेंस टू जीरो, देखो एक्स प्लस एच के लिए ये रख सकता हूं, तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस वन प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय एच। देखो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या होता है फॉर्मूला वन बाय एच को यहाँ ले लो किसका साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई। अरे वेरी इजी साइन एक्स एक्स प्लस वाई बटे टू, देखो टू टू कॉस टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे दो एक्स प्लस वन प्लस एच प्लस एक्स प्लस वन बटे दो इन टू साइन एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस एच माइनस एक्स माइनस वन बटे ना फॉर्मूला तो देखो याद करो अगर इसको तो यह जगह टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे दो इन टू साइन एक्स माइनस वाई बटे दो, तो एक्स पूरा ही हो जाएगा या सी माइनस डी के फॉर्म में भी लिख सकते हो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा टू कॉस साइन सी प्लस डी बटे दो साइन सी माइनस डी बटे सी हो गया डी हो गया सी में से डी को क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आंसर बन गया आंसर बचा ठीक। तो यहाँ पे बचेगा देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो ठीक, देखो ये सिर्फ टू बाय एच को इसके साथ ले लेना साइन के साथ एच बाय टू लिख सकते हैं ठीक, और ये इसको लिखेंगे कॉस टू एक्स प्लस टू प्लस एच बटे दो इन टू साइन एच बाय टू एच बाय टू डिवाइडेड बाय एच बाय टू इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी भी इसमें भी लिमिट रख देना लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो मतलब लिमिट को तोड़ दिया हमने कॉस के साथ ले लिया और साइन के साथ ठीक। दो इसका वैल्यू यहाँ पे जीरो रख देना तो क्या आएगा कॉस देखो टू कॉमन ले लेना एक्स प्लस वन प्लस जीरो बटे दो इन टू वन इसका वैल्यू कितना जाएगा वन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस वन। देखो वैसे भी देखो साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस कॉस, तो साइन का डिफरेंशिएट जाएगा कॉस आएगा कॉस एक्स प्लस। क्लियर है सिंपल क्वेश्चन है कुछ है थोड़ा कुछ है ही नहीं, अगर सर उसको ऐसे पूछेंगे बहुत भी क्लियर की साइन एक्स प्लस का अवकलन क्या होता है क्वेश्चन में फर्स्ट में इसका फोर्थ पार्ट तुम खुद करोगे। देखो कॉस पाई माइनस सॉरी एक्स माइनस पाई बाय एट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाय एट जैसे हमने क्वेश्चन में थर्ड करा था सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करें निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए, यह समझा जाए कि ए बी सी डी पी क्यू आर और एस निश्चित शून्योत्तर अचर है और एम एन पूर्णांक है। अगर एम एन दे रखे कहीं तो उसका मतलब पूर्णांक है, लेकिन अगर ए बी सी डी पी क्यू आर एस अगर आता है तो उसका मतलब वो शून्येतर कोई भी एक अचर राशि है, अचर राशि मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट है ठीक। तो पहला सेकंड नंबर है वाई बराबर एक्स प्लस ए बात नहीं,
जो x प्लस है इसका अवकलन करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x प्लस a, x का डिफरेंशिएट 1, a का डिफरेंशिएट 0, तो कितना आएगा 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंपल क्वेश्चन है, देखो p x प्लस q दूसरे ब्रैकेट में r अपॉन x प्लस s। देखो एक चीज याद रखना, इसको एक फॉर्मूले को फॉर्म में लिख लो, d अपॉन dx 1 बाय x, इसका डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 बाय x स्क्वायर होगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, अभी करा था ना, करा था भाई, तो माइनस वन बाय ठीक, तो इसको भाई मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस, क्यू को भाल पी को भाल लेने का आंसर, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड यूज करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पी एक्स प्लस क्यू का, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, तो पी एक्स प्लस क्यू, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का वन बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस आर अपॉन एक्स स्क्वायर एस का हो जाएगा, तो वो तो रहेगा मल्टीप्लाई में, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा ना, डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे उसको, बाहर का लिया है, बाहर का लिया नहीं, पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो उतना ही ना, तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा ये, कांस्टेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, कब होता है जब कांस्टेंट अकेला होता है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ होता है तो नहीं होता, समझ आता है, तो यहाँ पे प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस, तो यहाँ पे पी एक्स, पी एक्स का अवकलन क्या जाएगा पी और क्यू का जाएगा जीरो, क्या जाएगा माइनस का आर अपॉन एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू प्लस का पी आर अपॉन एक्स प्लस का एस, ठीक है, करो नोट, मोदी के पास ले गया, उन्होंने कहा पागल तेरे को ये नहीं पता सर जी, वो होता है ना क्या उस वाले में रेखा शंकु परिच्छेद में जो हम चतुर्भुज के त्रिभुज के क्षेत्रफल लेते हैं उसके अंदर कोई प्लस माइनस का हो प्लस का हो जाता है, जैसे हमें माइनस टू माइनस फाइव करना है तो क्या होगा, माइनस टू माइनस फाइव, माइनस टू माइनस का फाइव, माइनस टू माइनस का फाइव, ये माइनस का सेवन, माइनस माइनस प्लस और प्लस का थ्री कैसे आएगा, किसमें प्लस का थ्री, माइनस का टू माइनस माइनस का फाइव, तो माइनस का टू प्लस का फाइव इक्वल टू थ्री, यही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का कैसा है, अरे माइनस और माइनस का जाएगा प्लस होगा ना, प्लस हो गया तो पांच, मतलब बड़ी संख्या प्लस की है तो इसलिए बड़ी संख्या से घटेगा ना छोटी संख्या, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी ठीक सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, क्या यूज करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का अवकलन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज पहले वाले फंक्शन का अवकलन, तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएट होगा, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएट होगा तो पावर आगे पावर एक माइनस, तो टू सी एक्स प्लस बी, पावर कितना बचेगा वन, अच्छा अब जिस फंक्शन का पावर है इस फंक्शन का अवकलन होगा, देखो सी एक्स प्लस डी, डी का अवकलन कितना जाएगा जीरो, सी एक्स का अवकलन कितना होगा सी, क्योंकि एक्स का तो जाएगा वन, इन टू क्या जाएगा सी प्लस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, नहीं नहीं यहां पे क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी, ए बी का जीरो, ए एक्स का क्या जाएगा ए, एक्स क्या जाएगा ए, देखो सी एक्स प्लस डी दोनों में से कॉमन आ रहा है, सी एक्स प्लस डी को दोनों में से क्या कर दो कॉमन, दो का अंदर मल्टीप्लाई करना है टू ए सी एक्स प्लस का टू सी बी,
एक अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का ए सी एक्स प्लस का ए डी, कहेगा ए डी ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी, तो इसको और इसको जोड़ सकते हैं, दो और कितना जाएगा तीन, तो तीन ए सी एक्स प्लस का टू सी बी प्लस का ए डी, तो ये जो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव। जो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहे हैं, ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो वाई बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइडर यूज करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देखो इसका सूत्र क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन, ठीक है ना, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का अवकलन अवकलन बटे नीचे वाले का सी एक्स प्लस होल स्क्वायर, होल नहीं पहले तो होल का होल बोलेगा डिवाइडेड बाय, ठीक ना, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या आएगा इसका अवकलन, यहां पे कर देते ऊपर, देखो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या जाएगा ए, क्योंकि बी का जगह जीरो, तो यार ए सी एक्स प्लस बी माइनस, देखो यहां पे सी एक्स प्लस डी का अवकलन क्या जाएगा, इसका अवकलन क्या जाएगा सी बचेगा, डी तो जाएगा जीरो, ठीक है, इसका आएगा सी, तो आएगा सी ए एक्स प्लस का क्या जाएगा बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देना एक, तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी का अंदर मल्टीप्लाई कर देना ए सी एक्स माइनस का सी बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, देखो इससे कैंसिल उठ जाएगा प्लस माइनस में बचेगा ना, क्या बचेगा ए डी प्लस सॉरी माइनस का सी बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर।